जाके जब बच्चों का रिएक्शन देखा तो लगा कि मतलब हमने अच्छी फिल्म बनाई है, और आशा करते हैं कि बच्चे भी जाएं, बड़े भी जाएं, और 26 तारीख को इस फिल्म को ज़रूर देख के आप इंजॉय करेंगे। फिल्म का म्यूज़िक बहुत अच्छा है और फिल्म में एक्शन भी बहुत अच्छा है, और एक ओवरऑल पैकेज है फिल्म, तो आप जाइए और ज़रूर देखिए। किसका आइडिया था इस तरह का? अमूमन प्रमोशन हम देखते हैं मॉल्स में होता है, और ये बहुत अपने आप में यूनिक लगा मुझे जी। बच्चों से इंटरेक्ट करना, उनको बुक्स देना, एजुकेशन की बात करना फिल्म के माध्यम से, दिस इज समथिंग एब्सोल्युटली न्यू। ये आइडिया और इसका श्रेय पूरी तरह से हमारे पीआर अभिषेक जी को जाता है। ये उन्हीं का आइडिया था और उसके लिए उनका धन्यवाद। उनके इस आइडिया ने थोड़ा काम किया ऐसा लग रहा है, और बच्चों के माध्यम से हम अपनी बात कहना चाह रहे थे वो मुझे लगता है हम कह पा रहे हैं, तो उसके लिए अभिषेक जी को फिर से धन्यवाद। और आज दशहरा के प्रमोशन के लिए मैं आई हूँ यहाँ पर, और किसके साथ? बच्चों के साथ मनाने आई हूँ। बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं सोच नहीं सकती कि बच्चे इतने पसंद किया है, और जो मैं गाना विजय वर्मा जी ने जो म्यूज़िक दिया है बहुत ही बेहतरीन म्यूज़िक, रेखा भरद्वाज जी के साथ एक डुएट गाना जो मैंने गाया, बच्चे का गुनगुनाने लगे, बच्चे को ज़ुबान पे आ गया, तो गाना तो सुपर हिट है ही। और ये जो गाना है बहुत सालों के बाद एक डुएट गाना आया है, जो प्रॉपर डुएट, लेडीज़ डुएट, डिफरेंट वॉइस टेक्स्चर के साथ विजय जी ने इतना अच्छा से गाना बनाया और इतना अच्छा से निकाला वो गाना, मुझे तो बहुत मज़ा आ गया है। थोड़ा सा आइटम सॉन्ग है, मुझे लोग कह रहे थे कि बाहुबली में आपने रोमांटिक भजन के बाद एकदम आइटम सॉन्ग, तो मैंने कहा हाँ, गॉड ग्रेस आई एम वर्सेटाइल सो आई कैन सिंग बोथ ऑफ बोथ स्टाइल, तो अच्छा लगा मुझे। और बहुत खुशी है कि ये जो फिल्म है, अपना जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, एक लेडी प्रोड्यूसर, मुझे मालूम है प्रोड्यूसर को कितने मुश्किलात के सामना करना पड़ता है, और एक लेडी को उन्होंने संभाली, सबसे बड़ी बात है। रिलीज़ हो रही है फिल्म और इतना अच्छा थीम है, इसमें मैंने जो प्रमोशन में जो लुक्स दिखा है, नील, नितिन, मुकेश वॉज लुकिंग अमेजिंग, और दशहरा मतलब रावण वध, जो ख़राब चीज़ का जो अंत है, विनाश, ये मेरे ख्याल से इस फिल्म का जी ये है। और बच्चे के साथ इसलिए अच्छा है कि बच्चे जो है हमारा भविष्य है, उनको कुछ अच्छा सिखाया जाए तो भविष्य में वही काम आएंगे। हाँ, मैं ये बिल्कुल कहूँगा अंडर यूटिलाइज्ड है अभी तो, और जो मधु की आवाज़ में जो मधुरता है ना, वो अभी तक भी अनटैप्ड है। रहमान साहब ने किया है और यहाँ तो लोग कर ही नहीं पाए। क्या फिल्म फटर्निटी का हिस्सा है, मीटू मूवमेंट अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उस बारे में क्या राय है? जो औरतें मतलब जो एक्ट्रेसेस है खुल के बोल रही है, तो एनीथिंग यू वुड लाइक टू से? देखिए, मी टू मूवमेंट को तो मैं सपोर्ट करती हूँ, करना चाहिए, ताकि बहुत सारे जो लड़कियाँ हैं बहुत कुछ कह नहीं पाते हैं, झेप जाते हैं, इनके लिए एक रास्ता खुल रहा है, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन एक बात ये भी है कि दोनों तरफ का जो है वो अच्छा से जांच किया जाए, उसके बाद ही कुछ एक्शन किया जाए, वो होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।